यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रयागराज में नमाज के बाद पुलिस पर जमकर हुआ पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रयागराज, नमाज के बाद पुलिस पर जमकर हुआ पथराव, रैफ और पैक ने किया लाठीचार्ज। पथराव से डीएम एसएसपी घायल, एसपी की गाड़ी टूटी, आंसू गैस के गोले दागे। प्रयागराज, जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रयागराज में कानपुर की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। पुलिस की तमाम प्रयासों के बावजूद उपद्रवी नारेबाजी के साथ पथराव करने लगे। छतों से भी पथराव हुआ, जिसके बाद आरएएफ और पीएसी ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा, लेकिन उपद्रवी सुनियोजित तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। पूरी घटना करेली थाना क्षेत्र के अटाला इलाके की है, जहाँ पुलिस ने एहतियातन भारी पुलिस बल को तैनात किया था, लेकिन उपद्रवी पहले से ही तैयारी करके आए थे। सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि नूपुर शर्मा को फांसी दी जाए। डीएम और एसएसपी ने मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। प्रयागराज से पूनम चौरसिया की खास रिपोर्ट। सर हाँ, हटाइए सर, हटाइए। अब आगे की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, कोई फायदा नहीं। अभी भी समझाया जा रहा है कि चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मुकदमा होगा तो क्या फायदा है उसका। हो गया है, पिछले आप एक घंटे से आप पे हैं, अब जाइए अपने घरों में। जवान है वो फैल हुआ है, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे।